आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन an emulsion is subjected to centrifugation. B part is direct current is passed through a colloidal salt. Second part of this question is write a chemical equation showing the preparation of a positive salt. So इस question के two parts हैं और उसमें भी जो first part है उसके again दो parts हैं, ठीक है। तो first part में हमसे कहा गया हमें explain करना है कि हमने क्या observe किया है। तो first case है जब emulsion को हमने centrifugation करवाया है तो हमने क्या observe किया है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा, डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सो डी इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मतलब जो इमल्शन है वो सेपरेट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में, ठीक है। इमल्शन सेपरेट आउट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में, ठीक है। हमें पता है इमल्शन लिक्विड और लिक्विड से बना होता है। लिक्विड जब डिस्पर्स होता है लिक्विड फेज में, लिक्विड जब डिस्पर्स होता है डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। तो अब इमल्शन जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं दोनों ही लिक्विड्स, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स से लिक्विड वन एंड लिक्विड टू, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। इट इज़ सेइंग डायरेक्ट करंट इज पास टू कोलॉइडल सॉल्ट। तो अगर हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे कोलॉइडल सॉल्ट में तो उससे क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल चार्ज पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। दीज चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स विल मूव टूवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और उन इलेक्ट्रोड्स पे की तरफ जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, इनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज साथ में आने हैं, तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो एग्रीगेशन फॉर्म कर लेंगे, मतलब कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, वो एग्रीगेट कर लेंगे, एग्रीगेट टुगेदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट कोएगुलेशन विल टेक प्लेस, कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट इज सेइंग राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग प्रिपरेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। मतलब पॉजिटिव सोल के प्रिपरेशन के लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो जब हम बॉईल करते हैं FeCl3 को तो हमारे पास बन जाता है, ये बी पार्ट था, ठीक है। जब हम FeCl3 को बॉयल करते हैं तो हमारे पास बन जाता है पॉजिटिव सोल, ठीक है। FeCl3 प्लस वाटर गिव्स FeOH होल थ्राइस प्लस HCl, ठीक है। ये जो हमारे पास FeOH का होल थ्राइस है, ये क्या है हमारे पास, इट इज़ अ पॉजिटिव सॉल, पॉजिटिव चार्ज्ड सॉल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।